नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम आप तक खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां पहुंचाते हैं, ताकि आप लोग अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना सके। इसी कड़ी में बता दें, आज के हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए हम आपको कुछ अहम बातें बताने वाले हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, सही समय पर अगर फसलों की बुआई की जाए, सही तरीके से अगर प्रबंधन किया जाए, तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज हासिल की जा सकती है और अच्छा मुनाफा भी अर्जित किया जा सकता है। जैसे कि आपको बता दें, प्याज की उन्नत खेती आप कर सकते हैं। किस तरह के कदम आपको उठाने की जरूरत है, आइए जाने हमारे सेगमेंट में। प्याज की खेती सब्जी फसल के रूप में की जाती है। इसके फल पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। प्याज का इस्तेमाल सब्जी और मसाले दोनों ही रूप में करते हैं। भारत में प्याज की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में की जाती है। प्याज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण प्याज का सेवन करना मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। गर्मी के मौसम में प्याज का सेवन करना लू और कई अन्य प्रकार के रोगों से बचाता है। यही कारण है कि लगभग सभी भारतीय घरों में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में प्याज की मांग साल भर बनी रहती है। ऐसे में किसान प्याज की उन्नत खेती करे तो वे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। प्याज की खेती रबी और खरीफ दोनों ही मौसम में की जाती है। खरीफ मौसम में मई और जून में प्याज की बुआई की जा सकती है। प्याज की उन्नत किस्मों में एग्री फाउंड डार्क रेड, N53, भीमा सुपर सबसे प्रमुख किस्में हैं। प्याज की बुआई के लिए उचित जल निकास वाली बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। प्याज की बुआई के लिए उचित जल निकासी वाली बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। प्याज के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई कर लेनी चाहिए, ताकि मिट्टी भुरभुरी बनाई जा सके। प्याज की फसल के लिए अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। प्याज की फसल में खाद और उर्वरक का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें। खेत जुताई के बाद पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी खाद डालना भी उपयुक्त होता है। बीजों को हमेशा पंक्तियों में बोना चाहिए। खरीफ मौसम की फसल के लिए लाइन से लाइन की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखें। इसके बाद क्यारियों पर कंपोस्ट और सूखी घास की पलवार बिछा देनी चाहिए, जिससे खेत में हल्की नमी बनी रहे। पौधशाला में अंकुरण हो जाने के बाद पलवार हटा देना चाहिए। जब पौध 45 दिन की हो जाए तो उसकी रुपाई कर लेना उचित होता है। पौध की रुपाई क्यारियों में करें। रुपाई के लिए पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। खरीफ मौसम में प्याज की रुपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर लेनी चाहिए। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करनी चाहिए। साथ ही खरपतवार नष्ट करने के लिए समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह पर रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्याज की फसल में पत्ती का बैंगनी धब्बा रोग और झुलसा रोग लगने का खतरा होता है। ऐसे में किसान अपनी फसल की लगातार निगरानी करते रहें और रोग के लक्षण दिखाई देने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। पौध से तैयार फसल लगभग 140 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। प्याज को उखाड़ने के बाद उन्हें पत्तियों समेत 3 से 4 दिनों तक खेत में रखकर सुखाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में प्याज को इस प्रकार रखना चाहिए कि पहली पंक्ति के प्याज के कंद दूसरी पंक्ति के प्याज की पंक्तियों से ढक जाए। इससे दूसरी प्याज पर सीधी धूप नहीं पड़ती और प्याज पर धूप से निशान नहीं बनते हैं। 3 से 4 दिन सूखने के बाद पत्तियों को प्याज से 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी डंडी छोड़कर काट लेना चाहिए। प्याज को 2 सेंटीग्रेड तापक्रम व 65 से 70% आर्द्रता वाले ठंडे भंडारण गृहों में भंडारित करना अच्छा होता है। खरीफ प्याज की भंडारण क्षमता कम होने के कारण फसल कटाई के बाद ही उसे बाजार में बेच देना किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। प्याज की खेती उचित भूमि, उन्नत किस्म और सही तकनीक से कर किसान अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, जिसे बाजार में बेचकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये था हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन।
भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालें हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी में अगर अलग सोच के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ कदम उठाए जाएं, तो निश्चित तौर पर बता दें आपको सफलता हासिल की जा सकती है। इसमें आपको थोड़ी सी कड़ी मेहनत भी जोड़नी होगी। यही कुछ कर दिखाया है आज के हमारे सफल किसान ने। इनका नाम है भागमल सिंह। अब इन्होंने किस तरह से ये कामयाबी का सफर तय किया है, ये जानने के लिए आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं। कृषि हमारे देश का आधार है और किसान हमारे अन्नदाता। किसान अपनी सफलता तभी मानते हैं जब उनके खेतों में लहलहाती हुई फसल दिखती है, जिसके लिए हमारे देश के किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं। अपनी कड़ी मेहनत के बाद जब किसान को उपज हासिल होता है, तब उसकी सारी थकान उतर जाती है। आज हम ऐसे ही एक मेहनती किसान भागमल सिंह की बात कर रहे हैं। भागमल गाजियाबाद के एक छोटे से गांव भुरगड़ी के रहने वाले हैं। इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था
उनके जीवन में दो वक्त का खाना मिल जाना ही बड़ी खुशी थी। घर में सबसे बड़े होने के कारण वे परिवार के भरण पूरण करने के उद्देश्य से खेतों में काम करने लगे। काम करने के दौरान उन्होंने पाया कि कठिन परिश्रम के बाद भी किसानों की बड़ी बुरी हालत थी। उस समय उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं था। बैलों से जुताई करने में समय का नुकसान तो होता ही था, साथ ही उपज भी अच्छी हासिल नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने सोचा, अगर मशीनों का साथ मिल जाए तो खेती में कुछ अच्छा किया जा सकता है। उन्होंने कहीं से पुराने ट्रैक्टर का इंतजाम किया और खेती में इसका इस्तेमाल करने लगे। उन्हें ये एहसास हो गया कि तकनीकों के साथ से खेती में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। खेतों में सिंचाई के लिए उचित जल की व्यवस्था की, साथ ही खेतों की लेबलिंग कराई और कड़ी मेहनत से काम करने लगे। इसी बीच उनका संपर्क पूसा के कृषि वैज्ञानिकों से हुआ। वहां के वैज्ञानिकों से उन्हें उन्नत बीज के उपयोग करने की सलाह मिली। पूसा से उन्हें गेहूं और धान के उन्नत बीज भी प्राप्त हुए। भागमल सिंह ने सब्जियों की खेती करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। जिला उद्यान से भागमल को अच्छी किस्म का टमाटर और मिर्च के बीज भी उपलब्ध हुए। उसकी बुआई कर उन्हें अच्छी पैदावार हासिल हुई। भागमल सिंह ने अपने खेतों में धान की नवीनतम प्रजाति पूसा RH-10, पूसा बासमती 1, पूसा सुगंध 2 और पूसा सुगंध 3 लगाई। इससे उनकी पैदावार में काफी वृद्धि हुई। इस सब में उन्हें पूसा से भी भरपूर मदद मिली। उन्होंने संकर बीज पैदा किया और अच्छा मुनाफा कमाया। भागमल ने 4 बीघा खेत में मिर्च बोई, जिससे उन्हें अच्छा उपज मिला, साथ ही मिला मुनाफा। इसके बाद वे अपने खेतों में नई नई तकनीकों का प्रयोग करने लगे, जिससे उन्हें खेती में बड़ी कामयाबी मिली। खेती में मिली इस कामयाबी से भागमल सिंह स्थानीय किसानों के बीच एक सलाहकार के रूप में जाने जाने लगे। वे अन्य किसानों के साथ अपनी सफलता साझा करते हैं, ताकि उनकी तरह अन्य किसान भी खेती में कामयाब हो सके। भागमल सिंह को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। भागमल सिंह को प्रगतिशील कृषक पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और किसान सम्मान से नवाजा जा चुका है। अपनी इन्हीं सफलता के बदौलत भागमल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालें हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि किसानों की उन्नति के लिए, कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार कितनी अहम योजनाएं चलाती है और उन योजनाओं से लाभ किसे पहुंचता है, हमारे किसानों को, यानी कि आप लोगों को। आज के हमारे सेगमेंट में एक ऐसी ही योजना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना और स्वस्थ खाद्य पदार्थों का उत्पादन है। ऐसा तभी मुमकिन है जब खेतों में रसायनों का उपयोग कम से कम हो और प्राकृतिक तरीकों का ज्यादा। ये योजना दरअसल मृदा स्वास्थ्य संबंध योजना का ही उपघटक है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परंपरागत समझदारी और आधुनिक विज्ञान के मिलाप से जैविक खेती सतत मॉडल विकसित करना है। इससे न सिर्फ लंबे समय तक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी, बल्कि संसाधनों का भी संरक्षण हो सकेगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती करने में भी मदद मिलेगी। परंपरागत कृषि विकास योजना का पहला मकसद ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना है, और उसके बाद रसायन रहित जैविक खेती के जरिए उपभोक्ताओं को स्वस्थ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।
ये योजना इस बात पर जोर देती है कि फसल पोषण और सुरक्षा के लिए बाहर से कम सामान खरीदना पड़े, बल्कि सब कुछ खेतों से ही हासिल कर लिया जाए। इसका मकसद सतत एकीकृत जैविक खेती पद्धति के माध्यम से फसल लागत कम करना और किसान की प्रति हेक्टेयर आय बढ़ाना भी है। ये ऐसी योजना है जो जैविक क्लस्टर बनाकर संस्थागत विकास के जरिए किसानों का सशक्तिकरण करती है। ये सशक्तिकरण कृषि उत्पादन प्रबंधन, उत्पादन लागत, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्य वर्धन और सीधे मार्केटिंग के माध्यम से होता है। यानी किसान समूह बनाकर क्लस्टर में खेती करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं और मूल्य वर्धन भी करते हैं। इस योजना में जैविक खेती के किसी भी भारतीय स्वरूप को अपनाया जा सकता है। जो भी स्वरूप अपना रहे हैं वो इलाके और फसल के हिसाब से अधिकतम उपज की गारंटी देने वाला होना चाहिए। इसके अलावा किसानों का सीधा संपर्क स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों से हो जाता है। इन्हीं बाजारों में वो अपने उत्पाद बेचते हैं। इस योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी, कबीलाई और वर्षा सिंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। मैदानी हिस्सों में एक क्लस्टर 1000 हेक्टेयर का होता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में 500 हेक्टेयर का। ये क्लस्टर आपस में जुड़े कई गांव तक भी फैला हो सकता है। योजना के जरिए किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्लस्टर में ज्यादा से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान शामिल होंगे। महिला किसानों को या स्वयं सहायता समूहों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। क्लस्टर का प्रदर्शन करने के लिए बकायदा प्रपोजल तैयार किया जाता है। प्रदर्शन की जिम्मेदारी सहकारी या फिर सरकारी संस्था की है। इन संस्थाओं में कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, छोटे किसानों के कृषि संघ या फिर केंद्र या राज्य सरकारों के संगठन शामिल हैं। एकीकृत पोषण प्रबंधन प्रभाग इसकी निगरानी करता है, जबकि प्रदर्शनों का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। वार्षिक क्लस्टर बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उसी को जैविक खेती के किसी प्रोजेक्ट पर वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करना होता है। अथर्ववेद में लिखा है कि ये धरती हमारी माँ है और हम सभी इसके पुत्र हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही ये धरती भी अपनी उपज से हम इंसानों का पेट भरती है। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा उपज मिले, इसके लिए हमने क्या किया, इस धरती को बीमार कर दिया। अब हमें इसे स्वस्थ बनाना है। किस तरह से? प्राकृतिक खेती को अपनाकर। किस तरह से हम प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, आइए जानते हैं। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी हैं, तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं।
इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें दो तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद दो तरह से बन सकती है, मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खासतौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल के जरिए देख सकते हैं। करना क्या है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। साथ ही आपको बता दें, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा, कृषि दर्शन कमरा नंबर 59A CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।